वेलकम टू फ्लेवर स्टोरी। टी टाइम स्नैक्स में आज हम एक ही रेसिपी से तीन तरह के स्नैक्स बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 7 के अनुसार नमक और 1/2 चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। क्रश करने से इसका फ्लेवर थोड़ा बढ़ जाता है। और मोयन के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। कम ऑयल डालेंगे तो हमारा नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा और ज़्यादा डाल देंगे तो वो तेल ज़्यादा सूखेगा, इसलिए मोयन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम मुट्ठी बांधकर देख लेंगे कि ये बंध रहा है, ये बिखर नहीं रहा है, यानी हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। इस तरह से मोयन को आटे में मैंने अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त आटा लगाएंगे। इसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नाश्ता क्या बिल्कुल क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और वो फूलेगा भी नहीं। इसलिए इसे एकदम सख्त गूंथना है। और इस तरह से हमने इसे मसलते हुए अच्छी तरह से गूंथ लिया है और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब 15 मिनट के बाद एक बार हम और स्मूथ कर लेंगे। यहाँ मैंने एक लोई ले लिया है और इसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे, जैसे हम रोटी का बनाते हैं इस तरह से। अब हम इसे बेल लेंगे। इसमें हम ना तो सूखा आटा लगाएंगे ना ही कोई तेल। इसे हम चकले के बराबर बेल लेंगे, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। अब चाकू की मदद से इसे हम डायमंड के शेप में काट लेंगे। इस तरह से सारे हम एक साथ तैयार करके रख लेंगे। अब गैस पर मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जितना मैंने तेल इसमें डाला है उसी के हिसाब से हम इसमें नमक पारे डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी हमें हाई रखना है, क्योंकि जब हम नमक पारा डालते हैं तो कलछी से बीच में ऑयल को प्रेस करते रहते हैं, यानी जल्दी जल्दी चलाएंगे। उससे क्या होता है, नमक पारे हमारे अच्छी तरह से फूल भी जाते हैं। और ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन कलर इसका आया है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के भी हम तैयार करके रख लेंगे। बच्चे हों या बड़े, ये तो सभी को पसंद आता है। अब इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैंने तल लिया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरा स्नैक्स भी बना लेते हैं। आटा तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। एक लोई लेकर इसे भी हम चकले के बराबर बेल लेंगे। अब आप लीजिए किसी बॉटल का ढक्कन और जो हमने बेल कर तैयार किया है, तो उस बॉटल के ढक्कन को आप साइड में रखिए, यानी आधा अंदर रहेगा और आधा बाहर, और उसे प्रेस करते हुए काटते जाइए और वो काजू के शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने नमक पारा तला है सेम उसी तरह से इसे भी हमें तलना है। शुरू में मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा था। बाद में जब नमक पारे अच्छी तरह से फूल जाते हैं, यानी 1 मिनट बाद, गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। और इस तरह से ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे निकालने के बाद दूसरे बैच को भी हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। इस काजू नमक पारे के ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल दिया है चटपटे टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मठरी, और उसी तरह से एक लोई लेकर हम चकले के बराबर बेलते हुए इसे छोटी कटोरी से कट कर लेंगे। अब चाकू से इसे बीच में हम प्रिक कर देंगे, नहीं तो ये तेल में डालने के बाद फूल जाएंगी और वो खस्ता नहीं बनेगी। इधर तेल भी गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है, इससे हमारी मठरी खस्ता और क्रिस्प बनेगी। इसी तरह से सारे मठरी को हम तलते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक तल के इसे हम निकाल लेंगे। तीनों स्नैक्स हमारे बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे आप बनाइए और 1 महीने के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।